आज की मूवी में लगभग 500 साल पुराना युद्ध दिखाया जाता है, जहां दो गुटों के बीच युद्ध चल रहा है। एक तरफ है येलो ड्रेस वाला गुट तो दूसरी ओर है रेड ड्रेस वाला गुट। रेड ड्रेस वाले येलो ड्रेस वालों को पूरी तरह हरा रहे होते हैं। तभी पहाड़ पर बैठा एक पुजारी थोड़ी सी विभूति उठाकर कुंड में फेंक देता है, तो येलो ड्रेस वाले सारे जॉम्बी की तरह बन जाते हैं और सभी को काटने दौड़ते हैं। तब रेड ड्रेस वालों का जनरल, जिसका नाम है डोंजू, वो एक बड़ी सी तलवार से सब पर हमला करने लगता है, लेकिन उसे भी जॉम्बी पकड़ लेते हैं। पहाड़ की चोटी से इस युद्ध को देख रहे हैं तीन भाई। वो अपने प्रदेश को बचाने का फैसला करते हैं और सोल्जर्स के बीच घुसकर अपने अजीबोगरीब वेपन से बड़ी तादाद में सोल्जर्स को मार गिराते हैं। डोंजू चौंक जाता है कि ये लोग कौन है जो गिनती में तो सिर्फ तीन है लेकिन इतना विध्वंस मचा रहे हैं। तीनों भाई सारे जॉम्बीज को मार गिराते हैं और पुजारी का भी खात्मा करके डोंजू की जान बचाने में सफल हो जाते हैं। पर डोंजू नहीं जानता कि इन्हीं तीन भाइयों की वजह से आगे जाकर उसकी जान को खतरा होने वाला है। तो आगे क्या हुआ और ये तीनों भाई कौन है, ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस मूवी में, जिसका नाम है डायनेस्टी वॉरियर्स। आप वीडियो को एंड तक देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में हमें इन तीन भाइयों की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। धरती पर 100 साल पहले एक बार ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो स्वर्ग और नर्क की शक्तियों को अपने शरीर में समाकर पैदाइशी वीर बनते हैं। हर लड़ाई के अंत में उनकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसे ही तीन वीर थे ये भाई, जिन्हें डायनेस्टी वॉरियर्स कहा जाता है, जो अपार शक्ति के हकदार हैं। ये है सबसे बड़ा भाई लुइस, ये उससे छोटा भाई वेंग और ये है सबसे छोटा रे। युद्ध में ये तीनों येलो ड्रेस वाली सेना को जिस शात्री से मार गिराते हैं ना, उसको देखकर डोंजू तो दंग रह जाता है। वो पूछता है कि तुम तीनों किस सेना के आदमी हो, बताओ। तीनों कहते हैं कि हम किसी सेना के नहीं है, हम सिर्फ अपने राज्य के लिए लड़ रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर डोंजू एक शब्द भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अब ये लोग चिढ़ जाते हैं कि हमने तो इसकी जान बचाई और ये शुक्रिया तक नहीं बोल रहा। खैर, वो दूसरी दिशा में जाने लगते हैं। दूसरी ओर डोंजू जब अपने राज्य वापस आता है तो राजा की मौत की वजह से अब उसके बेटे यानी राजकुमार को राजगद्दी पर बिठाया जाता है। लेकिन डोंजू इस छोटे लड़के के सामने सर नहीं झुकाना चाहता और उसे गद्दी से हटाकर अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठा देता है। मंत्रीगण भी कुछ कह नहीं पाते और जो लोग सवाल उठाते भी हैं उन्हें डोंजू मौत दे देता है। लेकिन इस अन्याय को देखती हुई दो आंखें दिखाई देती हैं जो कि सेनापति योन की हैं। गुस्से में वो अपनी मुट्ठी कसता है लेकिन दरबार में वो कुछ कह नहीं पाता। उसी शाम डोंजू खुशी के मारे सबको दावत देता है, लेकिन वहां पर सभी बहुत परेशान होते हैं कि पहले तो राजा मर गया और डोंजू ने राजकुमार का हक उससे छीन लिया और अपने बेटे को राजा बना दिया। सभी कहते हैं कि उसने रानी के साथ भी बहुत बुरा किया और हम है कि यहाँ पर दावत का मजा ले रहे हैं। अचानक युवान ठहाका मार कर हंस पड़ता है और कहता है, तुम सब एक नंबर के कायर हो। लेकिन दोस्तों, सबसे सीनियर मंत्री कहता है कि तुम महज एक सेनापति हो, भरी सभा में हम सब का अपमान करना ठीक नहीं है। युवान गुस्से में टेबल को उलट कर कह देता है कि महज सेनापति? सेनापति कौन होता है क्या आप जानते हैं? यहाँ बैठे मंत्रियों से कई ज्यादा वीर और काबिल होता है सेनापति। इस देश को डोंजू नाम के सांप ने जकड़ के रखा हुआ है और मैं उससे अपने देश को आजाद करके रहूंगा। ये शपथ लेकर वो बाहर चला जाता है। राज्य के दूसरे कोने में डोंजू के आदमी जाते हैं। उनका लीडर लुइस को देखकर पूछता है कि तुम तो इस प्रांत के नहीं लगते, सच बताओ कहां से आए हो? लुइस कहता है कि मैं राजकुमार चिंग के वंश का हूं। पर लीडर विश्वास ही नहीं करता और लुइस को मारने लगता है। पर उस गांव के लोग लीडर को पकड़कर पेट से बांध देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस भले आदमी पर हाथ उठाने की। तीनों भाई मिलकर उसे कोड़े मारते हैं और जनता भी इन भाइयों को ही सपोर्ट करती है। तभी डोंजू के सोल्जर्स वहां पर आ पहुंचते हैं और जनता डर के मारे भाग जाती है। अब रे एक सोल्जर का सर काटने वाला होता है लेकिन लुइस उसको रोकते हुए कहता है कि ये सरकारी लोग हैं, इनका कत्ल करना ठीक नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, वो किसी सोल्जर की जान नहीं लेते लेकिन उनकी खूब धुलाई जरूर करते हैं और तीनों गांव छोड़कर भाग जाते हैं। वेंग अपना भाला एक बार घुमाता है और सोल्जर्स कई मीटर दूर जाकर गिरते हैं। मौका पाकर वो वहां से भाग जाते हैं लेकिन सोल्जर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। तब वेंग जोर से जमीन पर भाला गाड़ता है और धरती फट जाती है और रेड सोल्जर्स बीच में फंस जाते हैं। जैसे तैसे तीनों उस गांव से बच निकलते हैं। बहुत दूर सफर करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हीरोज पीक नाम के पहाड़ पर सेनापतियों ने मिलकर एक विरोधी दल बनाया है। ये लोग भी उसी दल के साथ जुड़ने का फैसला करते हैं। अब रास्ते में उनको एक जंगल से गुजरना होता है लेकिन उन्हें लगता है कि जैसे वो बार बार एक ही जगह पर लौट रहे हैं। अचानक अंधेरा छाने लगता है और वो जगह चमकती हुई गुफा की तरह नजर आती है। सामने सीढ़ियां होती है जहाँ से एक औरत उतर कर आती है। वो लुइस से कहती है, मैं जानती हूँ तुम राजकुमार जिंग के वंशज हो और ये तुम्हारा भाई वेंग और रे है। वैसे इस जगह का नाम है सोर्ड कासल और मैं बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र बनाती हूँ। 1000 साल पुराने खून की टिकिया से बने इन शस्त्रों का कोई जितना प्रयोग करे उतना उनकी शक्ति बढ़ जाती है। ये शस्त्र सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जिन्हें नक्षत्र यहाँ तक लेकर आते हैं और तुम्हें भी इसी मकसद से शायद यहाँ पर लाया गया है। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे थे? वो बताते हैं कि हम हीरोज पीक जा रहे हैं। वहाँ 18 सेनापतियों का एक गुट है जो डोंजू के खिलाफ विरोध करने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहे हैं।
हम भी उसी सेना में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। डोंजू ने एक बहुत ही शक्तिशाली सोल्जर जिसका नाम है लोबो उसे अपना सेनापति बना लिया है, जिसका हम अकेला सामना नहीं कर सकते, इसीलिए हम उस विरोधी दल में शामिल होना चाहते हैं। अब दोस्तों लोबो का नाम सुनते ही वो औरत चौंक जाती है और कहती है कि वो इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर है। आज तक जो उसके हाथ लगा वो कभी जिंदा नहीं बच पाया, वो अपने दुश्मन का सर काट कर ही छोड़ता है। एक बार तारे उसे भी यहाँ पर मेरे पास लेकर आ गए थे और मैंने उसको एक स्पेशल तरह की कुल्हाड़ी दी थी, लेकिन उसने उस कुल्हाड़ी से अपने पिता की जान ले ली। ताज्जुब की बात है कि जब बचपन में लोबो सड़कों पर लावारिस भटकता रहा तो उस आदमी ने जो कि उस इलाके का जमींदार था उसने लोबो को अपने बेटे की तरह पाला था। और डोंजू का एक दुश्मन था, वो था सैम, और जब लोबो ने सैम को मार दिया तो डोंजू ने लोबो को अपना सेनापति बना लिया। अब लुईस पूछता है, क्या आपको सेनापति युआन के बारे में कुछ पता है? मार्शल आर्ट्स की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो युआन को नहीं जानता। यहाँ दिखाते हैं कि दावत से उठकर जाने के बाद राजमहल में क्या हुआ। युआन ने फैसला कर लिया था कि वो डोंजू को मार डालेगा। उस रात सीनियर मंत्री युआन से मिलने आया और उसने कहा कि डोंजू को मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर युआन डोंजू के आलिशान कमरे में गया। वहाँ डोंजू की रखवाली कर रहा था वही खतरनाक मॉन्स्टर लोबो। असल में युआन डोंजू को नई नई कविताएं लिखकर सुनाया करता था जो डोंजू को बहुत पसंद थी, इसलिए वो खुश होकर लोबो से कहता है कि तुम अस्तबल में जाकर युआन के लिए सबसे अच्छा घोड़ा लेकर आ जाओ, युआन की कविता के लिए मेरा तोहफा होगा ये। जैसे दोस्तों लोबो वहां से निकलता है, युआन डोंजू को मारने के लिए तैयार हो जाता है। पेट भर खाने के बाद डोंजू खराटे भर रहा होता है और युआन अपना चाकू निकालता है जो कि उस सीनियर मंत्री ने दिया था और कहा था ये बड़े से बड़े पत्थर को भी मलाई की तरह काट सकता है। पर जब युआन चाकू उठाता है तो उस पर सूरज की रोशनी पड़कर डोंजू की आंखों में रिफ्लेक्ट होती है और वो जाग जाता है। झट से युआन घुटने टेक कर ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि वो डोंजू को ये चाकू भेंट देने आया था। वो कहता है आपको पता है इससे आप पत्थर को भी आसानी से काट सकेंगे। इतने में दोस्तों लोबो आ जाता है। तब डोंजू उस चाकू से आईने को काटता है और उसकी तेज धार की वजह से आईने के दो टुकड़े हो जाते हैं। डोंजू बहुत इंप्रेस हो जाता है और युआन से कहता है कि शाबाश, बहुत बढ़िया तोहफा दिया तुमने, और मेरा सबसे बेहतरीन घोड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम उसको लेकर जा सकते हो। अब लोबो बताता है कि वो असल में इस चाकू से आपका खात्मा करने के लिए आया था पर आप जाग गए तो वो नाटक कर रहा है। डोंजू कहता है कि अगर ये सच है तो उसे जिंदा या मुर्दा यहाँ लेकर आ जाओ। और अब लोबो और उसके आदमी युआन के पीछे लग जाते हैं। युआन घुड़सवारी करते करते गरम तेल से भरी कढ़ाइयाँ ऊपर फेंकते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन उनके तीर युआन के शरीर को चीर देते हैं। फिर भी युआन उन्हें उखाड़ फेंक कर आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि वो घरों की छतों पर भी घोड़े दौड़ाता है। आखिर में उसको चेस करते करते ये सभी जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ लोबो अपनी शक्तिशाली कुल्हाड़ी युआन पर चलाता है जिससे बिजली निकलती है। युआन बचकर भाग ही रहा होता है कि तभी लोबो अपनी शक्ति से पहाड़ के दो हिस्से कर देता है और युआन बीच में फंस जाता है। अब ये जिंदा नहीं बचेगा, ये सोचकर लोबो वापस राजमहल पहुंच जाता है, लेकिन युआन मरा नहीं था बल्कि कई किलोमीटर दूर एक नदी के पास पड़ा होता है। उस गांव के लोग उसको ले जाकर उसकी चिकित्सा करने लगते हैं, लेकिन युआन की लाश को देखे बिना डोंजू मारने को तैयार ही नहीं होता कि वो मर चुका है, इसलिए पूरे राज्य में पोस्टर्स लगते हैं कि जो भी युआन को जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। जिस गांव के लोगों ने युआन को बचाया था उन्हीं में से कुछ लोग सोने के सिक्कों के खातिर युआन के बारे में डोंजू को बता देते हैं। तब उस प्रांत का राज्यपाल युआन को पकड़ कर लेकर जाता है और जेल में बंद कर देता है। वो कहता है कि कल मैं तुम्हारा सर काट कर डोंजू के पास लेकर जाऊंगा और सोने के सिक्के भी ले लूंगा उससे। अगले दिन की बात है कि वो युआन को डोंजू के पास ले जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन जाने से पहले वो युआन से एक बात पूछता है कि तुम तो डोंजू के सेनापति थे ना, उतनी अच्छी पदवी छोड़कर तुम विरोध में क्यों उतर आए? युआन कहता है एक सेनापति का धर्म है अपने देश और देश की जनता की रक्षा करना और यही मैं करता रहूंगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चले जाए। या तो डोंजू को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा या फिर उस कोशिश में अपनी जान दे दूंगा, कुछ भी हो लेकिन करूंगा जरूर। उसकी दिलेरी और अपने देश की जनता के प्रति उसकी श्रद्धा देखकर राज्यपाल अपना इरादा बदल लेता है और उसके साथ मिलकर जनरल डोंजू को जान से मारने का फैसला कर लेता है। दोनों इसी मकसद के लिए राजधानी की ओर निकलते हैं। गांव से दूर वो युआन के चाचा के घर पर रुकते हैं। चाचा युआन और राज्यपाल को अपने परिवार से मिलवाते हैं और बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि ये मेरे बड़े भाई का बेटा है और ये डोंजू की तानाशाही से इस देश को आजाद करवाने वाला है। ये सुनकर उनके परिवार वालों का रवैया ही बदल जाता है, लेकिन चाचा कहते हैं कि आप दोनों आराम करो, मैं पास के गांव से बेहतरीन वाइन लेकर आता हूँ, कहकर वो निकल जाते हैं। यहाँ युआन और राज्यपाल थकान के मारे सो जाते हैं। अचानक कोई आवाज को सुनकर युआन उठ जाता है। वो देखता है कि चाचा के परिवार वाले चाकुओं को तेज कर रहे होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि धीरे करो कहीं वो दोनों जाग न जाए। और अब युआन को शक हो जाता है कि ये लोग तो हमको मारने वाले हैं। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर से बंद होता है और वो समझ जाता है कि ये लोग हमारा सर काटने वाले हैं। वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और चाचा के पूरे परिवार को खत्म करके वहां से निकलने वाला होता है,
लेकिन तब उसे सुअरों की आवाज आती है। असल में चाचा का परिवार सुअर पालता है और सुअरों को काट कर वो इनके लिए दावत तैयार करने वाले थे, इसलिए वो चाकू धार तेज कर रहे थे। इवान के हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं कि ये मैं कैसा घोर पाप कर डाला, पर अब वो यहाँ पर रुक नहीं सकते और अपने रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते में चाचा मिल जाते हैं जो इनके लिए पास के गाँव से बढ़िया वाइन लेकर आ रहे थे। वो पूछते हैं, अरे मेरे घर आकर एक वक्त का खाना भी नहीं खाया और चल दिए, ये ठीक नहीं है बेटा, चलो घर चलो। पर इवान की आंखों में आंसू भरे होते हैं। वो कहते हैं, चाचा आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन जो मेरा साथ देता है उसके साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं, आपके परिवार का एक भी सदस्य जिंदा नहीं बचा। चाचा ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। इवान उन्हें इस हाल में और वो भी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता और चाकू से उन्हें भी मार डालता है। अब ये देखकर तो राज्यपाल को इवान पर बहुत गुस्सा आता है। वो पूछता है कि तुम कैसे जल्लाद आदमी हो, अपने चाचा को बेमतलब क्यों मार डाला तुमने। इवान कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो अपने आदमियों को लेकर मुझसे बदला लेने के लिए मेरा पीछा जरूर करते। मैं देश को बचाने निकला हूं और अपने रास्ते में किसी को भी अड़चन नहीं बनने दूंगा। उस रात वो एक जगह पर रुक जाते हैं। इवान का ये खतरनाक रूप देखकर राज्यपाल उसे खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और अपना चाकू पास के एक पेड़ पर गाड़ कर वहां से चला जाता है। अगली सुबह इवान देखता है कि राज्यपाल तो जा चुका है, लेकिन इवान अपने इरादे का पक्का था और वो डोंसू को खत्म करने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। अब जंगल में वो उस टिमटिमाती हुई जादुई गुफा के पास पहुंचता है जहां पहली बार उसकी मुलाकात इस औरत से हुई थी जिसने इवान को 100 साल पुरानी तलवार दी जिसकी शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उस तलवार को लेकर युवान अपने पिता के शहर गया और कहा कि मुझे डोंसू की सेना से लड़ने के लिए अपनी सेना चाहिए, आप इंतजाम कीजिए। और उसके पिता ने कह दिया कि डोंसू की सेना से टक्कर लेना आसान नहीं है, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। पर युवान निराश नहीं हुआ और उसने राज्य में हर तरफ पोस्टर लगा दिए कि डोंसू की तानाशाही के खिलाफ जो मेरे साथ खड़ा होना चाहता है आ जाइए। देश के कई जवान जो खुद डोंसू से छुटकारा पाना चाहते थे वो युवान को अपना नेता मानकर उसके साथ मिलकर लड़ने को तैयार हुए। ये सब कुछ इन तीनों भाइयों को बताकर वो औरत कहती है कि यहाँ जो भी आता है उसे एक खास शस्त्र मिलता है, उस पर जितना खून लगे उतनी उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है, तुम्हें भी मैं वैसे ही खास शस्त्र दूंगी। अचानक तीनों आंखें खोलते हैं और लगता है कोई सपना देख रहे थे, लेकिन इनके सामने तीन अजीब दिखने वाले शस्त्र होते हैं और वो समझ जाते हैं कि जो हुआ सच था, सपना नहीं था। अपने अपने शस्त्र लेकर वो डोंसू को खत्म करने का शपथ लेकर हीरोज पीक की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर राज्य भर में युवान के पोस्टर्स देखकर 18 छोटे प्रांतों के राज्यपाल अपनी अपनी सेनाओं को लेकर युवान को समर्थन देने निकल चुके थे। सभी लोग हीरोज पीक पर मिलते हैं और वहां पर अपना शिविर बना लेते हैं। उसी शाम में तीनों भाई भी हीरोज पीक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां के द्वारपाल उन्हें अंदर नहीं जाने देते क्योंकि यहां लोग बड़ी बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग तो सिर्फ तीन भाई हैं। पर तब युवान द्वार पे आ जाता है और कहता है उनको अंदर आने दो। उसी शाम को हीरोज पीक के किले में 18 राज्यपालों की मीटिंग होती है और वो बातचीत करते हैं कि डोंसू और उसकी सेना पर किस तरह से हमला किया जाए। हर राज्यपाल अपनी अपनी सेना की संख्या बताता है, उसमें से सबसे ज्यादा सोल्जर्स लेकर आया था ये राज्यपाल जिसका नाम है टैंग, इसके कुल 40,000 सोल्जर्स होते हैं, इसीलिए इस विरोधी दल का सरदार भी उसे बनाया जाता है। इन सभी सेना को मिलाकर इनके पास 1.5 लाख सोल्जर्स हो जाते हैं। ये सब कुछ दोस्तों डोंसू को भी पता चल जाता है और वो लोबो को 2 लाख सोल्जर्स के साथ किले के चारों तरफ पहरा देने को कह देता है। यहाँ युवान और बाकी राज्यपाल फैसला करते हैं कि अगर वो 2 लाख सोल्जर्स भेजेंगे तो हम आसपास के प्रांतों से आम जनता को भी लेकर आएंगे और तब हम 5 लाख से भी ज्यादा हो जाएंगे, डोंसू की सेना को आसानी से फिर हम हरा पाएंगे। कहकर सभी ड्रिंक करने जाते हैं और तब रे आवाज देता है कि हमें भी ड्रिंक चाहिए। तीन आदमियों को अकेला देखकर वो पूछते हैं कि तुम लोग किस राज्य से हो, किस वंश के हो। लुइस कहता है कि हमारा कोई राज्य नहीं है और ना ही हम किसी खास वंश के हैं। मैं लुइस हूँ और मैं मोची हूँ, ये मेरा भाई वेंग द्वारपाल का काम कर लेता है और ये हमारा सबसे छोटा भाई रे खाना पका लेता है। ये सब कुछ सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। फेंग को गुस्सा आता है लेकिन लुइस उसे शांत कर देता है। टैंक पूछता है कि हम सब हजारों के तादाद में सोल्जर्स लेकर आए हैं और तुम तीन यूं ही चले आए मुंह उठा के, तुम्हारा हम करेंगे क्या। इस पर लुइस कहता है कि सिर्फ बड़ी सेना से युद्ध नहीं जीता जाता, हमारे पास हिम्मत है, निष्ठा है और देश के लिए कुछ भी करने की चाह है, हम भी लड़ना चाहते हैं। ये सुनकर युवान इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेता है। अब सभी मिलकर फैसला करते हैं कि वो दो गुटों में बंटकर अपना लक्ष्य पाएंगे। सबसे पहले तो इनको राजकुमार को बचाना है जिसे डोंसू ने बंदी बनाकर रखा हुआ है और फिर डोंसू को खत्म करके इन्होंने सत्ता को अपने हाथ में लेना है। यहाँ दोस्तों डोंसू को भी पता चल जाता है कि विरोधी दल इनके तीन सुरक्षा सत्रों को तोड़कर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और लोबो से कहता है अपनी सेना लेकर जाओ और उन्हें खत्म कर डालो। पर लोबो का असिस्टेंट जिसका नाम है शॉन, वो कहता है कि इस काम के लिए आपको जाने की क्या जरूरत है गुरु, मैं जाकर उन सबको खत्म कर दूंगा। ये सुनकर डोंसू कहता है कि वाह शॉन,
लोगों के बाद उसकी पदवी के लायक सिर्फ तुम ही होंगे, जाओ जाकर उनको हरा कराओ। यहाँ दिखाते हैं तो शिविर में युवान और वैंग बैठकर शतरंज खेल रहे होते हैं। लुईस के मूव्स देखकर युवान बिल्कुल दंग रह जाता है और तब एक सेनापति आकर कहता है कि हमारे एक राज्यपाल की सेना के सारे सोल्जर्स मारे गए, शॉन आपको ललकार रहा है। और दोस्तों अब इनको अपनी शक्ति दिखाने का अच्छा मौका मिला है। वो फैसला करते हैं कि शॉन लोबो से कम ताकतवर है और अगर हम इसको हरा नहीं पाए तो लोबो को हराने की बात तो भूल ही जाओ। तब एक सेनापति कहता है कि शॉन से मैं लड़ूंगा। और दोस्तों अब तक किसी भी युद्ध में ये सेनापति हारा नहीं था। ये लोग भी उस पर विश्वास करके उसे मुंह में थोड़ा वाइन डालकर रणभूमि में भेज देते हैं। वो बड़े जोश के साथ शॉन से लड़ने लग जाता है, लेकिन एक ही मिनट में शॉन उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसका सर सीधे इनकी गुफा के अंदर आकर गिरता है। और कोई है जो शॉन से लड़ने की हिम्मत रखता है? ये सुनकर वैंग आगे बढ़ता है, लेकिन लुईस चुपचाप उसको रोक देता है। लेकिन युआन इस बात को यहाँ नोटिस कर लेता है कि लुईस वैंग को चुप करा रहा है। और तब एक और सेनापति आगे आता है कि मैं जाऊंगा उससे लड़ने के लिए। टैंग कहता है कि ध्यान से सुनो, अगर तुमने शॉन को हरा दिया तो मैं तुम्हें 30 घोड़े और 1000 सोने के सिक्के दूंगा। वो भी जाता है, लेकिन 2 मिनट के बाद उसका भी सर गुफा के अंदर आकर गिरता है। अब एक के बाद एक करके 6 आदमी भेजे जाते हैं, लेकिन 6 के 6 सर कट कर गिरते हैं। अब तक दोस्तों लुईस खामोश था, लेकिन अब वो कहता है कि मेरा भाई वैंग जाएगा और उस शॉन का सर काट कर लाएगा। इस पर तो एक राज्यपाल गुस्सा हो जाता है कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ वीर भेजा था, वो भी मर गया तो तुम्हारा भाई क्या उखाड़ लेगा, वो तो सिर्फ द्वारपाल है। तब युआन उठकर वैंग को वाइन देता है और कहता है जीत तुम्हारी होगी। लेकिन वैंग कहता है इस छोटी सी लड़ाई के लिए मुझे वाइन की जरूरत नहीं है, मैं जीत कराऊंगा और फिर वाइन पीऊंगा। कहकर वो अपने घोड़े पर तेजी से बाहर निकलता है। शॉन ने सोचा था कि बाकियों की तरह वो इसका भी सर बड़ी आसानी से काट पाएगा, लेकिन वैंग के लड़ने का तरीका देख वो दंग रह जाता है और देखते देखते वैंग शॉन का सर काट देता है। ये देखने के बाद तो शॉन की सेना वहां से बाहर खड़ी होती है और वैंग शॉन का सर लेकर गुफा में आ जाता है। अब सारे राज्यपाल इन भाइयों को सलाम करते हैं और अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी भी मांगते हैं, और इनकी विनम्रता को देखकर वो तीनों भाइयों को सैनिकों की एक टुकड़ी दे देते हैं। फिर वो हर किले पर कब्जा करते हुए राजधानी की ओर तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। शॉन का कटा हुआ सर भी डोंजू को भेज दिया जाता है, जिसको देखकर डोंजू को आता है बहुत गुस्सा। और जब लोबो को पता चलता है ना कि वैंग ने शॉन का सर काटा, तो वो तेजी से अपने घोड़े पर उस गुफा की ओर निकलता है जहां युआन की सेना है। वो कई किलोमीटर की दूरी से तीर चलाता है जो सीधे गुफा के अंदर जाकर गिरता है। उसमें खत होता है जिसमें उसने इनको युद्ध के लिए ललकारा होता है। लोबो आ चुका है ये जानकर 18 में से 10 राज्यपाल तो अपनी सेना के साथ वहाँ से भाग खड़े होते हैं। सिर्फ 8 राज्यपाल बचते हैं और उनके 1,00,000 सोल्जर्स। वैंग कहता है कि क्या हम सिर्फ शॉन को मारने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर आए थे? अगर अभी भी हिम्मत हार गए तो भविष्य में ये लोग हमारे इतिहास पर हंसेंगे कि कैसे कायर लोग रहते थे यहाँ। हमें डट कर लोबो का सामना करना होगा। लेकिन इसी बीच कायर डोंजू एक और प्लान बना लेता है कि अगर राजधानी यहाँ होगी तभी तो ये लोग हमला करेंगे, मैं तो राजधानी को दिल्ली से कन्याकुमारी शिफ्ट कर दूंगा, तब देखता हूँ कि वो मुझे कैसे मारते हैं। मतलब कुछ इस तरह की होती है दोस्तों उसकी सोच। आप कहोगे कि दिल्ली कन्याकुमारी क्या हो गया, पर लोबो युआन की सेना के इंतजार में वहाँ डट कर खड़ा रहता है। पीने का पानी खत्म हो जाता है तो वो एक झील में पानी लेने जाता है। वहाँ एक लड़की खुदकुशी करने के इरादे से पानी में जाने लगती है। लोबो उसको बचा लेता है और पूछता है ये कायरो वाला फैसला क्यों किया तुमने? वो कहती है कि मेरे पिता मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे वो दूल्हा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसके साथ जीने से तो मुझे मर जाना बेहतर लगा। लोबो पूछता है कि मुझसे शादी करोगी? वो कहती है करूंगी, और दोनों का रोमांस होता है शुरू। यहाँ युवान की सेना प्लान करती है कि लुईस और उसके भाई लोबो की सेना के साथ लड़ेंगे, और इसी बीच ये लोग दूसरी तरफ जाकर राजधानी पर हमला करके उस राजकुमार को छुड़ा लेंगे। तीनों भाई अपने सेनाएं लेकर लोबो से लड़ने जाते हैं। वो किले की दीवार के इस तरफ खड़े होते हैं। उनके और लोबो की सेना के बीच सिर्फ एक लकड़ी का पुल है। लोबो तो चुपचाप अपनी शक्तियों को फोकस कर रहा होता है और तेज हवा चलना शुरू होती है। इतनी तेज हवा चलती है कि इन भाइयों के सोल्जर्स के हेलमेट्स उड़ने लग जाते हैं और हर तरफ भूसा उड़ने लगता है। और तब पता चलता है कि क्योंकि इनके सैनिकों की संख्या कम थी तो इन लोगों ने खाली कवचों में भूसा भरा और उन्हें सोल्जर्स की तरह खड़ा किया था ताकि दुश्मन थोड़ा डर जाए। सच जानकर अब लोबो अपनी सेना को उन पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। वो भी आगे बढ़ते हैं और अब युआन की सेना पेट दिखाकर भागना शुरू कर देती है। लेकिन ये सब युआन की चाल है दोस्तों। जब लोबो की सेना अपने किले से दूर जाती है तो युआन की सेना एक फॉर्मेशन बनाकर उनके बीच में उनको घेर लेती है और भालों से सीधा उन पर हमला करती है। इसी बीच वैंग अपना वेपन निकाल कर हवा में घुमाता है तो उसमें से आग निकलती है। अब तो दोस्तों वैंग के अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो ऊपर उड़कर झट से लैंड करता है तो लोबो के 500 सोल्जर्स दूर जाकर गिरते हैं। युआन दूसरी तरफ से राजधानी में घुसने की कोशिश करता है और वहाँ पर जो सेना है उनसे लड़ने लग जाता है। अब लोबो तो चुप नहीं बैठना चाहता और वो रणभूमि में कदम रखता है।
अपनी शक्तियों के बल पर वो हवा को इतना तेज कर देता है कि 10,000 सोल्जर्स हवा में उड़ जाते हैं और तब आसमान से बिजली गिरकर एक ही मिनट में सारे के सारे सोल्जर्स को दो टुकड़े कर देते हैं। अब लोबो और तीन भाइयों के बीच घमासान युद्ध होता है जिसमें लकड़ी का पुल ब्लास्ट होता है और वो नीचे खाई में गिर जाते हैं, लेकिन वहां पर भी इनकी लड़ाई जारी रहती है। पर लोबो की शक्ति के आगे इनकी एक नहीं चलती। तब लुइस को उस औरत की बात याद आती है कि जितना ज्यादा इस वेपन पर खून पड़ेगा उतनी इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। तीनों भाई अपने शरीर को चोट पहुंचाकर अपना ही खून उन वेपन्स पर डाल देते हैं और वाकई में वेपन्स की शक्ति काफी बढ़ जाती है। तीनों मिलकर अब लोगों पर हमला करते हैं, लेकिन वो अपने कुल्हाड़ी की शक्ति से इनको दूर फेंक देता है। इसी बीच यहाँ पर डोंजो, जो अपनी राजधानी शिफ्ट करने वाला है, वो अपनी होने वाली नई पत्नी को भी साथ लेकर जाना चाहता है। ये वही लड़की है जिसे लोबो ने खुदकुशी करने से बचाया था। लगता है लोबो ने लड़की को डोंजो को सौंप दिया था। यहाँ युवान राजधानी की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। डोंजो का आदमी किले के ऊपर खड़ा होकर आग के गोले फेंक कर लोबो को इशारा करता है कि यहाँ तुम्हारी जरूरत है। इशारा समझ कर लोबो तुरंत यहाँ पर लड़ाई छोड़कर उड़कर अपने घोड़े पर बैठ जाता है और राजधानी चला जाता है। फिर डोंजो और लोबो दोनों ही राजधानी खाली करके चले जाते हैं। युवान की सेना इस युद्ध में जीतकर राजधानी पर अपना कब्जा जमा लेती है, लेकिन फिर पता चलता है कि डोंजो राजकुमार को भी साथ लेकर गया है। वो राजकुमार को भी कहीं लेकर चला गया। अब इन सभी का प्लान यह है कि राजकुमार को कैसे भी छुड़ा कर रहना होगा। ये सोचकर वो अपना सफर जारी रखते हैं। अब कुछ साल के बाद दिखाते हैं कि तीनों भाइयों की अपनी अपनी अलग सेना है जिन्हें वो प्रशिक्षण दे रहे होते हैं, और तब वहाँ पर युवान आता है। अब वो साधारण सेनापति नहीं बल्कि डोंजो का खात्मा भी करना चाहता है और खुद को इस राज्य का राजा घोषित करना चाहता है। वो फिर एक बार लुइस के साथ बैठकर शतरंज खेलता है और कहता है कि अब तक की कहानी में सिर्फ दो वीर हैं, तुम और मैं, तुम मेरे साथ आ जाओ। पर लुइस कहता है कि मैं किसी के साथ मिलकर कुछ नहीं करना चाहता, मैं वही करूंगा जो इस राज्य के लिए अच्छा होगा, मुझे किसी के साथ गठबंधन नहीं चाहिए, लेकिन तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त जरूर रहोगे। ये कहकर वो युवान को वहां से विदा करता है और इसी के साथ ये मूवी यहां पर खत्म हो जाती है। वैसे इन तीन भाइयों का सिर्फ एक लक्ष्य है, डोंजो को खत्म करना, लेकिन युवान का लक्ष्य राजा बनना भी है। तो क्या इन भाइयों और युवान के बीच आगे जाकर गठबंधन हुआ और क्या ये लोग उस तानाशाह डोंजो को मार पाए? हालांकि उसके पास खतरनाक लोगों की शक्ति है जिसे ये लोग हरा नहीं सकते। इन सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं पार्ट टू में, लेकिन फर्स्ट पार्ट कैसा लगा आपको ये बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।